विवाह पंचमी की कथा। प्रचलित कथाओं के अनुसार एक बार राजा जनक हल चला रहे थे। उस समय उन्हें धरती से एक कन्या की प्राप्ति हुई। इस कन्या का नाम उन्होंने सीता रखा। सीता जी को जनक नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है। राजा जनक देवी सीता को पुत्री रूप में पाकर अति प्रसन्न हुए और बहुत ही प्रेम के साथ उन्होंने माता सीता का पालन पोषण किया। एक बार माता सीता ने भगवान शिव का धनुष उठा लिया। इस धनुष को उठाने का सामर्थ्य परशुराम जी के अलावा किसी और में नहीं था। ये देख राजा जनक समझ गए कि ये कोई साधारण बालिका नहीं है और उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि जो भी शिव जी के इस धनुष को उठा लेगा उसी के साथ वे अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। जब देवी सीता विवाह के योग्य हुई तो राजा जनक ने उनके लिए स्वयंवर रखा और ये घोषणा कर दी कि जो भी इस धनुष को उठाकर प्रत्युंचा चढ़ा देगा वे उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। महर्षि वशिष्ठ के साथ भगवान राम और लक्ष्मण जी भी स्वयंवर में उपस्थित थे। वहां पर कई और राजकुमार भी आए हुए थे। स्वयंवर आरंभ होने के बाद कोई भी उस धनुष को उठा नहीं पाया तो राजा जनक अत्यंत निराश हुए और बोले कि क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी पुत्री के योग्य हो। तब महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की आज्ञा दी। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और धनुष टूट गया। तब राजा जनक ने दशरथ के पुत्र श्री राम जी के साथ सीता का विवाह करा दिया। इस प्रकार माता सीता और भगवान राम का विवाह हो गया। आज भी उन्हें एक आदर्श दंपति माना जाता है। राम सीता का जीवन प्रेम, आदर्श, समर्पण और मूल्यों को प्रदर्शित करता है। चलिए अब जानते हैं इसके महत्व के बारे में। मान्यताओं के अनुसार विवाह पंचमी के दिन माता सीता और श्री राम की विधि विधान से पूजा करने से विवाह में आने वाली सारी बाधाएं दूर होती हैं। कुवारी कन्या यदि पूरे मन से इस दिन सीता राम की पूजा करती है तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलता है। इस दिन अनुष्ठान कराने से विवाहित लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। माना जाता है कि इस दिन शुभ योग में मांगलिक कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बता दें कि इस दिन एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करके आसन बिछाना चाहिए। इसके बाद चौकी पर भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान राम को पीले और सीता जी को लाल वस्त्र पहनाएं। फिर दीपक जलाकर दोनों का तिलक करें। फल फूल नैवेद्य अर्पित कर विधि विधान के साथ पूजन करें। पूजा करते हुए बाल कांड में दिए गए विवाह प्रसंग का पाठ अवश्य करना चाहिए। फिर आखिर में माता सीता और भगवान राम का गठबंधन करके उनकी आरती करें। ऐसा करने से जीवन और घर में सुख शांति बनी रहती है और विवाह संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।